हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शीला हैप्पी लाइफ ट्यूज। गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेकअप इन जस्ट 5 मिनट्स। एवरीडे मेकअप शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट मैंने वीडियो पहले ही शूट कर लिया है, तो मैं आपका दिखाने वाली हूँ आगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। लेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई कवर माई हेयर बिकॉज मैं खुले बालों में मेकअप नहीं करती हूँ। देन मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ अरोमा मैजिक का अरोमेटिक स्किन टोनर। ये ऑयली स्किन वालों के लिए है एंड ये मेरे जो पोर्स हैं उनको टाइट करता है, देन रिवाइज करता है मेरी स्किन को। कुछ इससे पहले मैं हिमालय का यूज़ करती थी, बट नाउ आई चेंज माई टोनर। एंड सेकेंडली, मेकअप पे वीडियो शूट करना कुछ डिसाइड नहीं था। एक्चुअली मैं जस्ट नहा के आई थी, तो मैं जब रेडी हो रही थी डेली के लिए, जो मैं एवरी डे अपना मेकअप करती हूँ, तो मुझे एकदम से माइंड में क्लिक हुआ, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। एंड आप देखेंगे मैं डेली जब मेरे पहले जो वीडियो सारे मैं बैठ के शूट करती हूँ, बट अभी मैं खड़े होकर मेकअप करती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये मेरा जो एक्चुअल मेकअप मैं करती हूँ एवरी डे में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड सेकेंडली, मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। ये मेरी स्किन को जो भी मैं मेकअप करूँगी इसके बाद, वो पूरा उसको उसके लिए रेडी कर लेता है मेरी स्किन को। एंड पूरा इसको अच्छे से आपको अपने फेस पे कवर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फटाफट आपने लगा दिया एंड छोड़ दिया। आपके नेक पे, ईयर्स पे, सब जगह आपको कवर करना है। एटलीस्ट आपको 2 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी, ताकि अपने आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद जो भी मेकअप आपके फेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, टिका रहे, एकदम ब्लैक ब्लैक नहीं हो, बिकॉज प्राइमरी का काम होता है कि जो भी मेकअप आप करते हैं उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना एंड उसको स्टे रखना होता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से आपको मसाज कर, जस्ट मसाज की टाइप अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई करना है, जस्ट लेकर मसाज करते उस टाइप करना है आपको। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लेकमे 925 का सीसी क्रीम। आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसको भी मैं अच्छे से अपने फेस पे पूरा हाथों से अप्लाई कर रही हूँ। देन पूरा कर रही हाथों से। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं फिंगर से मेकअप करती हूँ, हाथों से करती हूँ, तो फटाफट हो जाता है। इस अगर स्पॉन्ज से करूँगी तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं हाथों से कर रही हूँ। एंड आज सामा वाचम है, तो मुझे पूजा के लिए जाना है, जैसे मैंने आपके जो मेरा कल का वीडियो था उसमें मैंने बताया भी था आपको, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ कि एलोवेरा जेल लगाने के डायरेक्ट कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ, देन और कोई मेकअप नहीं करती हूँ। बट आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे जाना है पूजा करने के लिए। तो इसको भी मैं अपने फेस पे पूरा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, नेक पे, अपने हेयर पे, सब पे। देन मैं यूज़ कर रही हूँ अपने चेहरे पे अपना जो मेकअप किया उसको फिट करने के लिए ब्लू विंग का कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, कभी भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पसीने की प्रॉब्लम होती है। बट अभी मैंने जो अपना टोनर है वो चेंज किया, उसकी वजह से थोड़ी मुझे कम होने लग गई है, बिकॉज अरोमा मैजिक का ये अरोमेटिक स्किन टोनर बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने पर्पल से परचेस किया इसको। एंड जो अपने कॉम्पैक्ट पाउडर है उसको भी मैं पूरा अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। इसको भी अच्छे से अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये आपकी जो पसीना है या फिर उसको जो फिट है आपके, जो भी आप मेकअप करते हो उसको फिट करने में तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दिया। अगर आपको डेली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है, तो आप वाइट टोन पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वही आप यूज़ करें। देन मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए एनवाई ब्रो केलिन आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउन कलर की है जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। इससे पहले मैं ब्लू एविन की ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल यूज़ करती थी। एक्चुअली मेरी आईब्रो क्या बहुत ही छोटी है एंड थोड़ी उनकी लंबाई भी कम है, इसलिए मैं क्या इसको फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल तो मैं यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में करती हूँ। मैं कुछ भी भूल जाऊँ या ऊपर आईब्रो पेंसिल ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मेरी एक डेली रूटीन का हिस्सा है। आफ्टर फिल द आईब्रो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आँखों को बड़ा करने के लिए या थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए काजल। NY का द बिग एप्पल ऑफ आई काजल यूज़ कर रही हूँ मैं। ये भी मैंने पर्पल से ही मंगाया है। एक्चुअली काजल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट काजल को अगर मेरे पास होती है तो मैं ऐसे इसको आई लाइनर या फिर अपने आईज को बड़ा दिखाने के लिए या फिर थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बट अभी मैं सिर्फ एज अ काजल ही उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट रेडी होना है। देन अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का बेबी लिप बाम। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, बिकॉज लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप बाम ज़रूर यूज़ करती हूँ, चाहे कोई सी भी लिपस्टिक मैं क्यों नहीं लगाऊँ, भले वो क्रीमी हो, मेट हो, कैसी भी हो, बट मैं लिप बाम ज़रूर यूज़ करती हूँ, देन लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो लिप बाम के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्यूकरी की मिनी लिपस्टिक। ये पूरी 12 कलर में आती है, तो इसमें से मैं पिंक शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने अभी डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए मंगाई है।
लास्ट में मैं लगा लेती हूँ अपने चेहरे पे बिंदी। ये मेरे जो फेस है, मेकअप के बाद फेस तो सुंदर तो लगता है, ब्यूटीफुल तो लगता ही है, बट बिंदी जो आपके फेस को एक अलग ही लुक देती है। सो बिंदी मेरे मेकअप कंप्लीट करने का काम करती है। सो फाइनली माय मेकअप इज़ कंप्लीट जस्ट इन 5 मिनट्स। आप 5 मिनट्स में भी कम में ये मेकअप लुक कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं आपके फेस पे।